तबलीगी जमात के कोरोना कनेक्शन पर देश भर में सनसनी है और दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज के मुखिया मौलाना साद गायब हैं। दिल्ली पुलिस एक नहीं तीन तीन नोटिस दे चुकी है, लेकिन बहानेबाज मौलाना अब चुप्पी साध चुके हैं। सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच जमात में शिरकत करने वालों का कच्चा चिट्ठा खंगालने में भी लगी है। इसी सिलसिले में पुलिस ने मरकज की बिल्डिंग से 6-7 रजिस्टर भी सीज किया है। क्राइम ब्रांच की टीम इन रजिस्टरों की जांच कर रही है, जिसमें मरकज में आने जाने वालों का नाम और दूसरी कई जानकारियां हैं। क्राइम ब्रांच ने मरकज से जुड़े कुछ लोगों से पूछताछ भी की है और मरकज से निकाले गए 2000 लोगों के फोन लोकेशंस को भी ट्रेस किया जा रहा है, ताकि पता लग सके कि क्वारंटीन में भेजे जाने से पहले वो कहां गए थे। पिछले 14 दिन की मूवमेंट कहां थी, ताकि क्योंकि उसमें काफी लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं कि उसमें से जो लोग हैं कि भी उनके कांटेक्ट में जो आएंगे वो हाईली सस्पेक्टेबल है, तो रिपोर्ट शायद यहां तक आज कल में मिलने। वहीं पुलिस मरकज से ताल्लुक रखने वालों को चेतावनी दे रही है कि या तो वो सामने आकर सच कबूल लें या फिर सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। हेल्पलाइन या हेल्थ डिपार्टमेंट को जरूर इन्फॉर्म करें, अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये भी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स माना जाएगा और जो इसकी वायलेशन करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस बीच दिल्ली के क्वारंटीन सेंटर्स में रखे गए जमाती मेडिकल स्टाफ और दूसरे लोगों के साथ बदसलूकी से बाज नहीं आ रहे। द्वारका के सेक्टर 16 में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रखे गए कुछ जमातियों ने कल शाम जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि बोतल में पेशाब बंद करके रिहायशी इलाकों में फेंके गए। पुलिस ने मामले में FIR रजिस्टर कर ली है। तबलीगी जमात के इस खतरनाक रवैये पर मुस्लिम बिरादरी सकते में है। निजामुद्दीन में मरकज के मामले से वो खुद को भी कटघरे में खड़ा महसूस कर रहे हैं। ऐसे में वो तमाम एहतियात भी बरत रहे हैं। इसी सिलसिले में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अपील की है कि शबे बारात के पाक मौके को मुस्लिम बिरादरी घरों में ही रहकर मनाए। इसकी अपील अजमेर में मशहूर गरीब नवाज दरगाह से भी हो रही है।